अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पैसा पैसा लगा रखा है तूने? देख नारी तू, तेरी ओछी हरकतों की वजह से कैसा शर्मिंदा खड़ा था। मिर्ची में लगे तो एक बात बोलूं, भाई इतना खुद्दा और छोरी तू इतनी लालची। महंगा तोहफा पाने के लिए लड़की होने का फायदा उठाती है। शर्म तो आ नहीं रही होगी तुझे। आज से 15 साल पहले जो बबूल का झाड़ उठाकर लाए थे रतन साहब, देख रहे हैं उसके कांटे हमारे मेहमानों के सामने हमारी हवेली की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। ये ले तेरा गिफ्ट, नहीं तो फिर बाद में बोलेगी मैंने छीन लिया तुझसे। जानती हूँ मैं गरीब हूँ और गरीबों की दौलत ये तोहफे पैसे ना है, उसका आत्मसम्मान होता है और मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सबसे बढ़कर है। ये नहीं, क्या हो रहा है यहाँ? मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है और क्या हो रहा है? आपकी बात मानने की सजा मिल रही है। मैंने बार बार मना किया था ना कि मुझे ये तोहफा नहीं चाहिए, पूछा था ना कि इसमें कोई कीमती चीज तो ना है। मैंने बताया तो था ना तुम्हें कि ये महंगा नहीं है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। रियली समर, हमारे घर की सर्वेंट से इतना लगाव कि उसे महंगा गिफ्ट देना भी तुम्हें महंगा नहीं लग रहा है? नहीं लगा महंगा। किसी को कुछ देने के पीछे गिफ्ट की कीमत नहीं बल्कि उसकी सोच देखी जाती है। और इस बात में ऐसा कुछ भी नहीं है छुपाने जैसा, मुझे जो लगा मैंने वही किया। नॉट अ बिग डील, ये गिफ्ट मैं लाया था लेकिन इसने लेने से इसे साफ साफ मना कर दिया था, छुआ तक भी नहीं। मैंने इसे इंसिस्ट किया ताकि मुझे बुरा फील ना हो, ताकि मुझे खराब ना लगे, इसने मजबूरी में ही लिया। अगर किसी की गलती है तो मेरी है, इसकी नहीं। आई एम सो सॉरी। लेकिन समर बेटा, नौकर और मालिक के बीच एक अंतर होता है और ये अंतर बना रहना चाहिए। इन्हें ज्यादा इज्जत देंगे ना तो ये आके आपके बगल में बैठने लगे। सॉरी आंटी जी, लेकिन मैं ये सब नहीं मानता। साल ने भी मुझसे यही कहा था और मैंने उससे भी यही कहा कि मेरी सोच ऐसी नहीं है। मेरे लिए नौकर मालिक के फर्क से बढ़कर इंसानियत का फर्ज है। मुझे लगा कि इसे गिफ्ट देना चाहिए, मैंने वही किया। मुझे ये नहीं पता था कि इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बन जाएगा। किसी गंदी सोच या गंदे इरादे के चलते मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। अगर थारी सोच ऐसी है तो घनी चोखी बात है छोरे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हर रिश्ते का मान उसकी मर्यादा में होता है और यो मर्यादा तोड़ने का हक किसी ने ना है। जी अंकल जी, मैं समझ गया, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चलिए पूर्णिमा जी, थैंक यू समर साहब, आपकी वजह से सबके मन की गलत फहमियाँ मिट गई। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना मैं कोई कीमती तोहफा ना ले सकती, आपके लिए कीमती ना होगा पर मेरे लिए कीमती है। आप इसे वापस ले लीजिए। और वो जैसे कहते हो गए, कैसे गलत समझ बैठे मुझे, क्या आपको ना मालूम आपकी बहन कैसी है।
ये देख मैंने थारे लिए बनाया, तुझे बचपन से ही चूड़ियों का बड़ा शौक है ना, ये उसके लिए। जानू कि मारी बहन गलत ना हो सकती, जानता हूं थारा इरादा गलत ना था, पर लड्डो दुनिया इधर की उधर हो जाए ना, वो भी एक बात हम कभी ना भूल सकते कि हम इस हवेली में नौकर हैं और वो मालिक, और इस रिश्ते के ना कुछ नियम हुए, किसी ने कोई फर्क ना पड़ता कि थारा इरादा के था थारी नियत के थी, फर्क बस इस बात से पड़े है कि नियम कैसे टूटा। आज जो हुआ है ना वो मालिक की नजर में एक नौकर का अपनी हद पार करना था। मेरे को दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरी बहन से इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, तूने एक कराए मेहमान से तोहफा लिया कैसे, समझ रही है मैं क्या कह रहा हूं। भाई साहब हमारा इरादा गलत ना था, पर मेरा तोहफा लेना गलत हो गया, मैंने माफ कर दो, मैं कभी दोबारा ऐसा ना करूंगी, मैं ध्यान रखूंगी। जानती है ना कि बचपन से लेके आज तक मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि थारी हर इच्छा पूरी करूं, पर मैं ये जानता हूं कि मैं ऐसा कर ना पा रहा हूं, तुझे एक खुश आजाद जिंदगी दे ना पा रहा हूं मैं। सुख सुविधा गहने कपड़े लट्टे इन सबसे कीमती मारे लिए आपका साथ है, मैं बहुत खुश हूँ भाई साहब, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं अपने भाई साहब की जान और सम्मान दोनों हूँ, मुझे और कुछ ना चाहिए। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।